नवरात्र के वास्तु शास्त्र में आज हम बात करेंगे प्रसाद या नैवेद्य के वास्तु की। हर घर में आजकल देवी को प्रसाद चढ़ाया जाता है, लेकिन इस प्रसाद को क्या करना चाहिए? खाना चाहिए, फेंक देना चाहिए, पड़ा रहने देना चाहिए, किसी बर्तन में, किस बर्तन में प्रसाद चढ़ाना चाहिए? इन सब चीज़ों का घर के वास्तु पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो नोट करिए कि नैवेद्य को धातु यानी सोने चांदी तांबे पत्थर यज्ञीय शुभ लकड़ी या मिट्टी के पात्र में चढ़ाना चाहिए। चढ़ाया हुआ नैवेद्य तत्काल निर्माल्य हो जाता है, उसे तुरंत उठा लेना चाहिए। प्रसाद को खाना चाहिए और यथासंभव बांटना भी चाहिए। देवता के पास पड़ा हुआ नैवेद्य निगेटिव एनर्जी छोड़ता है। देवता को समर्पित करने के बाद प्रसाद को तुरंत उठा लेना चाहिए। ऐसा न करने पर विश्वक्सेन, चंडेश्वर, चंडांशु और चांडाली नामक शक्तियों के आने की बात कही गई। ये निगेटिव शक्तियाँ बताई गई। वास्तुशास्त्र में यह थी चर्चा आज प्रसाद की। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।